जी राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। इसी आशा के साथ करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। आज फिर से मैं प्लॉट में जा रही हूँ घूमने के लिए, और कन्नू को मैंने होमवर्क दिया था करने के लिए 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 20 तक दिए थे नंबर्स नेम लिखने के लिए, लेकिन ये लिख नहीं रहा है। पता नहीं क्यों आज इसको क्या हो रहा है। और मैम जी से भी मैं कहना चाहूँगी कि इस पर थोड़ा सा हार्ड टाइट रखे अपना, क्योंकि ये पढ़ता लिखता नहीं है बिल्कुल भी। जो मैं कह देती हूँ बिल्कुल उसका अपोजिट ही करता है। सब चीज़ चाहिए इसको, घड़ी चाहिए, वीडियो गेम चाहिए और बहुत सारे गेम्स चाहिए, लेकिन पढ़ने के लिए इसको बुक बिल्कुल भी नहीं चाहिए। पढ़ो क्यों? वेरी गुड, क्यों पढ़ेगा ये? देखिए मैडम जी, देखिए क्या क्या कह रहा है। क्यों मैं क्यों पढ़ूँ? ठीक है, अच्छा जी, सारी चीज़ चाहिए तुझे। तुझे गन ला के दी थी वो बॉल वाली, वो रखी वहाँ पे, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तेरे पास घोड़ा भी है, तेरे पास वॉकर भी है, तेरे पास गाड़ी भी है, तेरे पास साइकिल भी है, सारी चीज़ें हैं। वो पहले आपका ही था कन्नू, सारी चीज़ें आपकी ही है वे। वाणी की तो अभी तक है क्या? अब तो छोटा हो गया वो, आप बड़े हो गए हो। वो छोटा हो गया, वो उसकी गलती है, वो छोटा हो गया। आप बड़े हो गए हो, वो छोटा हो गया आपके लिए। चलो पढ़ाई करो अपनी, मैम को पढ़ के दिखाओ कैसे करते हो आप अपना होमवर्क। देख के करना है, मैंने 13, 14, 15, 16 की स्पेलिंग सारी लिख दी है, और उसको देख के करना है सिर्फ, आराम से। कोई बात नहीं, ढूंढ लो आप, आपके पास पूरा दिन है आज का। आपने सुबह ये कहा था अरे तो 1 घंटे के बाद रात हो जाएगी, रात के बाद आओगे हम वहाँ से, है ना, और फिर आपको नींद आ जाएगी। वाओ कितनी अच्छी बच्चे हो आप तो बहुत प्यारे बच्चे हो, बहुत शरारती बच्चे हो, बहुत ही। हाँ आप यही कहना चाह रहे हैं, क्योंकि रात भी आपने होमवर्क नहीं किया अपना बिल्कुल भी। और अब 1 घंटा, ये तो सारा का सारा रिकॉर्ड हो रहा है। वाणी कमरे से पहले निकल गई थी मम्मी के साथ में, और कन्नू ने आज बिल्कुल भी तेल नहीं लगाया बालों में, क्योंकि है ना ये आज बाल कटवाने के लिए कोशिश कर रहा था, जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाल इसके किसी ने कटवाए नहीं बिल्कुल भी, इसके पापा को तो टाइम नहीं होता है। इधर आई है वो भी देखने के लिए कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा आज, क्योंकि आज मेरी तबीयत है जो थोड़ी खराब है, खराब होने के कारण आज मैं आराम ही कर रहा हूँ, खड़े होकर देख ही रहा हूँ। बस थोड़ी बहुत सेवा कर देता हूँ उनकी, इनके लिए ठंडा पानी वगैरह की व्यवस्था जो है वो करने आया था सुबह भी और अब दोपहर भी। और जो वानिका है उसके जो पैर है ना यहाँ पर डगमगा रहे हैं, इसलिए डगमगा रहे हैं क्योंकि वानिका के पैर है ना बहुत छोटे छोटे हैं, वानिका के जो पैर है वो पूरे डगमगा रहे हैं, अभी ऊंचा नीचा यहाँ पे हो रहा है तो चल नहीं पा रही अच्छे से। हाँ अभी जब भरा हो जाएगा तो प्लॉट सीधा हो जाएगा और फिर ये ऊबड़ खाबड़ पर भी चल पाएगी यहाँ पर, अभी ऊबड़ खाबड़ ज़्यादा हो रहा है, अभी तो पहाड़ों की चढ़ाई कर रही है वानिका। वानिका बस रुक जाओ, बहुत चढ़ाई हो गई है। हाँ भाई पैदल घूम के कैसा लगा? मुझे तो पैर उठा के अच्छा लगा, है ना, मुझे मजा आता है वानिका का पैदल पैदल घूम के आते। और वानिका से जब भी पूछते हैं कोई भी प्लॉट को, कहेगी लोकेशन अच्छी नहीं है, वो अच्छा नहीं है, पर वानिका जब भी पूछते हैं वानिका प्लॉट कैसा लगा, वानिका से कहती है ऐसा लगा प्लॉट मुझे, तो वानिका को सबसे अच्छा लगता है। आज बोबी का जो चेहरा थोड़ा सा मुझे कमजोर सा लग रहा है, क्या बात, ठीक ठाक? आज इसका व्रत है और ये कर रही है आराम। तो मिस्त्री अभी अभी आया सांझ के टाइम, क्योंकि होता है सुबह का आने का टाइम, पर ये शाम को आया काम करने के लिए, ये एक काम कहीं और करते हैं मुजफ्फरनगर में, वो काम करके आए हैं, और आते ही इनका लड़का आ गया ये हालचाल पूछने के लिए। भाई पानी पिला दे अपने पापा को, ये तो शिकायत लगा रहा किसी की, किसी ने मार दिया। मैं पिट्टू वहाँ से दिन नमाना आते रहे, तो हम सोच रहे थे कि आज दीवार पूरी हो जाएगी, पर पूरी तो नहीं हो पाने की, पर जहाँ तक भी होगी वहाँ तक तो कर ही देंगे इसको, यहाँ तक कि 3-4 साल इसमें और बढ़ जाएंगे, यानी कि 1 फुट लगभग बढ़ जाएगी ये। हाँ भाई साहब, हाँ 1 फुट बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी ये? जो भी हो गया अभी और बढ़ेगा मसाला, और नहीं बढ़ाने की मसाला तेरे मजदूर बिल्कुल भाई, अरे ना आराम भी तो चाहिए। हाँ भाई नहीं बनेगा ना, आसू तू बता, तेरा तो ओवर टाइम चल रहा है भैया, तेरा भाई तेरा पूरा ओवर टाइम है, उसका टाइम नहीं हुआ। हाँ इसका टाइम नहीं हुआ, ये बचेगा, ये थोड़ा लेट आता है। ऊंची खाट चाहिए, आज तो इधर की भी नींव भरी गई, ये वाली सारी की सारी नींव और ये बीम जो है डल गए हैं इधर से ऊपर, इधर नहीं नहीं आप मत आओ इधर, कन्नू आराम से लेके आइए इसे, नहीं 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 आराम से आराम से।
बाय। जो भी पिएगी मम्मा पानी गया तो अंदर में अन्य दिन से सारा कंडन छोड़ना तेरा जा रहा साढ़े पांच बजे बस देख लेते उससे है ना उससे उससे वहां से नहीं चला जाने का उधर नहीं जाने का। अच्छा ये आप लगता है खिला अच्छा खिला ठार गिरे बस जाने का कैसे गिर दे बस इन तेरे के मजदूर बड़े बेकार है ये भाई काम है ना अभी अच्छी तरीके से चल रहा है और पीछे की जो नी है वो भरी गई है अब दीवार स्टार्ट हो गई है और कन्नू पापा भी उधर देख रेख कर रहे हैं कि किस तरीके से मिस्त्री काम कर रहे हैं। इधर ईंटों की भी निराई जो ईंटों की है ना शुरू कर दिया तराई सॉरी निराई बोल रही थी मैं और इधर नी खुदेगी यहाँ पर। तो ये कह रहे थे कि जो जिस घर की नींव होती है ना मजबूत होती है उस घर के पे भले कितनी भी मंजिल इमारतें बना लो वो कभी ढह नहीं ढहती नहीं बिल्कुल भी। और ये देखो पड़ोसियों के दीवार में दरार आ रही है तो ईंटें इतनी सारी होने के बावजूद भी जो मिस्त्री है वे बोल रहे हैं बार बार मजाक कर रहे हैं इनके साथ में ईंटें मंगवाओ और ईंटें मंगवाओ ईंटें कम है ईंटें इधर ही बहुत सारी पड़ी है ये देखिए इधर काफ़ी ईंटें हैं। कन्नू वाणी का बाहर खेल रहे हैं रोड पे और इधर अक्षित भी आ गया है अपना बाइक से बैठ करके निगरानी कर रहा करो। घर तो बहुत अच्छे भी हैं यहाँ पे भी देखो कितने अच्छे अच्छे घर हैं लोकेशन भी अच्छी है ऑन रोड है प्लॉट। चलो बेटा होमवर्क भी करना है भैया बाइक पे चलो अब मैं कुछ लूंगा भी नहीं कुछ नहीं लेना नहीं बिल्कुल नहीं देखो गड्ढे में गिरेगी वो गड्ढे में गिरेगी पकड़ उसे भाग के सही सही चल रही है वो बिल्कुल सारे ही धोएंगे घर जाके धोएंगे चल ये टिक्की में डाल दो हाँ डाल दो। काम अभी चल रहा है और बस हम चल रहे अपने घर की ओर। तेरे से साइकिल चलानी सीखेगा तेरे से भी आ जाएगी साइकिल चलानी तो भाई करना बहुत ही आसान है साइकिल चलाना तो तेरी मम्मी साहब है तेरे पापा साहब है साइकिल चलानी। बाबू दो मिनट को दिए वाणी कन्नू को दो मिनट के लिए दे दो बाबू दे दोगे बैठो चलो चलाओ नहीं इसके टायर लगे रखे हुए हैं टायर रखे हुए चलो चलाओ 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 गुड 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 सामने देखो सामने देखो सामने देखो सामने देखो सामने देखो। ध्रुव का बर्थडे है ध्रुव के बर्थडे में आए हैं इसका सेलिब्रेट करने के लिए वाणिका को मम्मी पहले वैसे ही ले आई थी तो अभी सारे के सारे बच्चे यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं और बर्थडे की जो तैयारी है उधर चल रही है। चलो जी मैं भी आ गई क्योंकि मुझे भी बुलाने के लिए गई थी ध्रुव की मम्मी और यहाँ पे बस अब थोड़ी देर में बर्थडे की तैयारी हो जाएगी। वैसे तो इनके घर पर कोई रहता नहीं है परी भी बाहर ही रहती है और इसके जो अमरूद है उस दिन वाणी को बहुत मीठे लगे थे सच में। अच्छा एक चीज़ और लेके जानी हमें जम्बा हमें अपनी जो करेले की बेल है ना वो चलानी इस पर और बरामदे में बोल रहा है बरामदे इधर है ना मम्मी। हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू डियर ध्रुव हैप्पी बर्थडे टू यू। करेले की बेल चलाने के लिए आज मेरे लिए एडजस्टमेंट कर दिया है क्योंकि ये बेल है ना सूख गई चढ़ नहीं पाई थी वो कल वाणी का ना खींच दी थी ये इधर से चलते चलते तो अब इन्होंने अरेंजमेंट बहुत अच्छा कर दिया देखो कितना सुंदर जाल बना दिया बहुत ही अच्छा। और मम्मी पापा ये कह रही है वाणी का मेरी चप्पल ले करके आ गई है आज मेरी चप्पल टूट गई थी तो इनको कम से कम एक डेढ़ घंटा हो गया ये सामान बनाते बनाते और बहुत देर हो गई है खाना खा लो।
पूरा करके ही खाओगे? हाँ मम्मी की टूट गई आज ये चप्पल, कोई बात नहीं, डाल देंगे इसे डस्टबिन में। पापा ठीक कर देंगे, पापा ठीक कर देंगे। नहीं बेटा पापा ठीक नहीं करेंगे, पापा मोची थोड़ी ना है, दूसरी ला देंगे पापा। हाँ वे ला देंगे वहाँ से। तो मम्मी ने पिताजी ने खाना खा लिया, बस ये रह गए हैं और ये भी थोड़ी देर में खाना खाएंगे। चाय बना दूँ खाने के साथ में? पसीने में तो सभी गीले रहते हैं, गर्मी में गीले रहते हैं। ठंडा पानी ला दे यार, ठंडा पानी मत लाइए, इनके लिए बुखार हो रहा है। नॉर्मल पानी लाना। पूरे पक्के वाले मैकेनिक है और ये देखो बारीक बारीक तार लगाया इसने भी कटर से काट काट करके, और अभी भी कटर ले रहे हाथ में। सारी जगह इस तरह इस तरह, ये थोड़ा ही ठंडा है। यहाँ पर आ रहा है संजय दीदी से बातें चल रही है खाना पीना खाने के बाद में, और जब तक ये है ना बेल चढ़ाते हैं तब तक मैं बर्तन साफ कर लेती हूँ। आज तो पहली बार पानी ला के दिया आपको इसने, नहीं तो कभी पानी ला के देता ही नहीं है। देखा अब से रोज ला के दोगे? ठीक है, अच्छी बात है भाई।